नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि फ़ोन में वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। आपने वायरलेस चार्जिंग के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, क्योंकि अब तक इस टेक्नोलॉजी के साथ कई सारे स्मार्टफोन लॉन्च हो चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी क्या है और ये कैसे काम करती है? अगर नहीं तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसी के बारे में बताने वाले हैं। वायरलेस चार्जिंग क्या है? वायरलेस चार्जिंग बिना तार के पावर ट्रांसफर करने की एक तकनीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की मदद से काम करती है। यानी इसमें पावर ट्रांसफर करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग होता है। इसका मतलब ये है कि किसी फोन को चार्ज करने के लिए किसी केबल से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि चार्जिंग पैड के ऊपर रखते ही फोन अपने आप चार्ज होने लगता है। इसलिए इसे वायरलेस चार्जिंग कहा जाता है। अब बात करते हैं कि वायरलेस चार्जिंग कैसे काम करती है। वायरलेस चार्जिंग दो हिस्सों में काम करती है। पहला हिस्सा एक चार्जिंग पैड होता है, इसमें एक ट्रांसमीटर कॉइल होता है। वही दूसरा हिस्सा फोन के अंदर मौजूद होता है, जो कि एक रिसीवर कॉइल के रूप में काम करता है। जब ये दोनों हिस्से आपस में मिलते हैं तो मैग्नेटिज्म की मदद से कंपन करने लगते हैं। इससे फोन के अंदर मौजूद कॉइल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का निर्माण होता है। यही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फोन में लगे चार्जिंग सर्किट के माध्यम से पावर ट्रांसफर करता है, जिससे बैटरी चार्ज होती है। असल में वायरलेस चार्जिंग एक महंगी और जटिल प्रक्रिया है, जिसमें फोन को चार्ज होने में काफी लंबा समय लगता है। साथ ही फोन का गर्म होना भी एक बड़ी समस्या है। लेकिन इससे भी बड़ी समस्या ये है कि एक नॉर्मल वायर चार्जर की तरह वायरलेस चार्जर में आप किसी और फोन को चार्ज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वायरलेस चार्जर फोन के हिसाब से डिजाइन किया जाता है, इसलिए वह दूसरे फोन के साथ काम नहीं करता है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।